द्वारा आदिवासी વિસ્તારના 15 જરૂરિયાતમંદ યુગલોના સમૂહ લગ્ન મહોત્સવ યોજવામાં આવ્યો હતો. સ્પ્રિંગ વેલી પરિવાર મકર સંક્રાંતિના અવસરે કન્યાદાન જેવું મહાદાન કરીને ધન્યતા અનુભવે છે. સુરતના વિસુ ન્યૂ સિટી લાઇટ વિસ્તારમાં આવેલી જીઓ મેક્સ હોસ્પિટલ પાસે સ્પ્રિંગ વેલી સોસાયટી વતી 15 યુગલોના સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ડાંગ જિલ્લાના આદિવાસી વિસ્તારના ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ પરિવારોની કન્યાઓના સમૂહ લગ્ન 14 જાન્યુઆરીના રોજ મકર સંક્રાંતિની સાંજે તેમના પરિવારના સભ્યોની હાજરીમાં કરવામાં આવ્યા હતા. માહિતી આપતા સ્પ્રિંગ વેલીના પ્રમુખ અનિલ જૈને જણાવ્યું હતું કે સમૂહ લગ્નમાં 15 યુગલોએ લગ્ન કર્યા હતા, જે ગત વર્ષે 11 યુગલો હતા. આ પ્રેરણા અમને અમારા ભાભી પ્રેમાજી ગુપ્તાએ આપી હતી. ડાંગ જિલ્લાના આદિવાસી વિસ્તારના 15 યુગલોને અનાજ, વાસણો, કબાટ, કુલર સહિતની ઘરવખરી માટે જરૂરી તમામ વસ્તુઓ આપવામાં આવે છે. આ સમૂહ લગ્ન અંદાજે 10-12 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે કરવામાં આવ્યા છે. ये जो यजमान जी है खोल करके दिखाएंगे. आज ये समूह लगन आज से आप लोग दाम्पत्य 15 जोड़ों का किया जा रहा है. ये हमारा पहले साल पिछले साल 11 जोड़ों का था, अभी 15 जोड़ों का किया जा रहा है. और ये हमारे को प्रेरणा हमारी भाभी जी है प्रेमा, भाभी प्रेमा गुप्ता, उनके द्वारा दी गई थी. और फिर हमने शुरुआत की. इसमें हमारी पूरी सोसाइटी का पूरा इन्वॉल्वमेंट है. सभी मिलके सभी हर कोई मतलब उस दही में थोड़ा बहुत भी दान देके और ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं. और पूरी सोसाइटी का सहयोग इतना ज्यादा है कि दोनों सभी तीसरी अंगुली से उस मधुपर्क को चलाएंगे. ग्राउंड पर है और उसको 550 लोगों का खाना किया हुआ है. 15 लोगों का जितने जोड़े हैं उनके साथ में 10-10 लोग और 20-20 लोग और हमारी सोसाइटी के सभी लोग ऐसे सबका इन्वॉल्वमेंट होके 550 लोगों का खाना किया जा रहा है. और इतना उत्साह से ये कार्यक्रम हम करते हैं. अभी पिछले साल 11 कपल का किया था, अभी 15 का किया है. और मालिक ने चाहा तो अगले साल और इसे डबल किया जाएगा. तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक सभी ने मिलकर ये संकल्प लिया है कि ये कार्यक्रम हम करते रहेंगे. तो इनके मजबूत रहे जो आपकी होने वाली जो कन्या है, ये कन्या रूपी 15 जोड़ों को हम उनके घर जीवन में जो जो रिक्वायरमेंट होती है मजबूत रहे. मान लो बर्तन है, खाना है, अलमारी है, फ्रिज है, कूलर है, मशीन है, वो सभी चीज एक अच्छे परिवार में जो दिया जाए वो दिया जा रहा है. घृत, मधुमाखी, बैर, घी और शहद का बैर है, शत्रुता है. इसमें स्प्रिंग वैली ने सब न मिला के 10-12 लाख रुपए का हम खर्च कर रहे हैं. ये शास्त्रकारों ने कहा, मैंने कहा ये सब अपने डांग वनवासी एरिए से है, डांग आदिवासी जो एरिए है उसमें से सब इकट्ठे करके और सब की जानकारी लेके कोई गलत ना हो जाए, ना हो, पूरी पुलिस रिपोर्ट करके और करके सब किया जा रहा है. मेरा नाम मंजू जावर है, मैं स्प्रिंग वैली में रहती हूँ. मैं मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर गई, वहीं से मुझे एक लड़की कन्या की शादी करवाई, वहीं से मुझे प्रेरणा मिली. फिर मैंने प्रेमा भाभी और मीना भाभी को बताया कि अपन स्प्रिंग वैली में शादी करना है. फिर हमने स्प्रिंग वैली परिवार में ये प्रस्ताव रखा, तब स्प्रिंग वैली परिवार ने हमारा साथ दिया और गई साल हमने 11 कन्याओं की शादी करवाई. इस बार हम 15 कन्याओं की शादी करवा रहे हैं और ईश्वर ने चाह तो अगले साल हम 21 और 31 कन्याओं की शादी करवाएंगे. और मेरी इच्छा है कि हर साल मैं ये काम करती रहूं और धारण करके ही विवाह में बैठना. जय श्री राम, जय श्री कृष्णा. दूल्हे राजा लेंगे और जो आपकी होने वाली पत्नी है उनके बाएं कंधे पर रखेंगे. जोड़े लेते हो कि एक धागे का टुकड़ा बाएं कंधे पर रखेंगे, आउट एरिया से सूरत एक बाएं घुटने पे रखेंगे. सूरत के जितने सूरत के हजीरा आउट एरिया से लेते हैं. लेफ्ट कंधे पे, लेफ्ट पैर पे, हमारी टीम बनी हुई है इसके लिए. हमारी टीम जुड़ी हुई है अपने राइट पे आपकी टीम किस तरह से काम करती है. जमणे बाजू ये बात भी बताएंगे अपने. ये अपना शादी जो कर रहे हैं ये मैं 10 साल से शादी कर रही हूँ तो लड़के सामने से फोन आ जाता है, फिर इंक्वायरी करती हूँ. जैसे ऑल पार्ट के दो बच्चे थे
ओल्ड पार्ट में भी जाके इंक्वायरी करके आई। एक अजीरा का था, अजीरा में गई, दो लड़के वहाँ के थे, पुन्ना के, पुन्ना में इंक्वायरी करके मैंने लड़कों का, लड़कियों का जब उनका चांदला हो जाता है तब हम लोग उनको शादी में ले लेते हैं। एक दूसरे को अच्छे से देख लिया आपने, आपका क्या विचार? पहले ऐसा होता था कि दिखलाते किसी दूसरे को थे और बैठाते किसी दूसरे को थे। अभी तो देखो शगुन समूह लगन जो है वो तो है ही, लेकिन हम है ना उसको एक प्यार, एक दिल की बात मानते हैं। चलो बहुत अच्छी, ये हमारे दिल से हुआ है, समूह लगन नहीं मानते, वो तो है ही, लेकिन हम दिल से करते हैं, एकदम दिल से। हाँ, यजमान जी को आपने देखा होगा, एकदम दिल से शादी करते हैं हम, इनको बेटियों की तरह। परेश मारू, जनसाक्षी न्यूज, सूरत।